नमस्कार, स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन और स्टडी जोन गोरेन जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मार्च 2018 का पार्ट टू करवाऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो इसमें आंसर आएगा, भारत का पहला कीट संग्रहालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में खोला गया। संग्रहालय पूरी तरह से कीड़ों के लिए समर्पित है और यह भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम एविएशन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, देश का प्रथम एविएशन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चंडीगढ़ में प्रारंभ किया गया है। यह डेवलपमेंट सेंटर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और एरोस्पेस एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को चेन्नई से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को चेन्नई से बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा, भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के बिनौला और बिलासपुर के पास स्थापित किया जा रहा है जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के मुख्यालय जो कि NH-8 पर है से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना कब और कहाँ से लॉन्च की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा, आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से लॉन्च की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना को मोदी केयर या नमो केयर स्कीम के नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी BPL कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा मुहैया करना है। आयुष्मान भारत के निदेशक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर वाली गुफा की खोज कहाँ की गई? तो इसमें आंसर आएगा, दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर वाली गुफा की खोज मेघालय में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किदंबी श्रीकांत को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने किदंबी श्रीकांत को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। किदंबी श्रीकांत को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। पीवी सिंधु के बाद पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले वह भारत के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में ऑस्ट्रेलिया के किन खिलाड़ियों पर 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर पर 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। स्टीवन स्मिथ 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान नहीं बन सकते, इन पर इसका भी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य है जहां देश के सबसे ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, बेलागवी कर्नाटक में देश के सबसे ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। यह ध्वज 110 मीटर ऊंचा है तथा इसका वजन 500 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा, राष्ट्रमंडल खेलों के 21वें संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में महिला और पुरुष एथलीटों की संख्या बराबर रखी गई? तो इसमें आंसर आएगा, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21वें संस्करण में महिला और पुरुष एथलीटों की संख्या बराबर रखी गई। यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला पांचवा राष्ट्रमंडल खेल है। इसमें अनुमानित $2 अरब खर्च हो चुके हैं
और यह सबसे महंगा राष्ट्रमंडल खेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारक मित्रा परियोजना प्रारंभ करने वाले केंद्रीय मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो इसमें आंसर आएगा स्मारक मित्रा को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। इसके तहत चयनित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्ति विरासत स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्थापित होने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की संख्या कितनी होगी? तो इसमें आंसर आएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की संख्या 34, 34 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सरकार द्वारा प्रारंभ सुलभ पर्यटन ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें आंसर आएगा सुलभ पर्यटन ट्रैक की कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला स्थिर लैंडर विमान का क्या नाम है? तो इसमें इसका नाम है इनसाइट। इनसाइट की फुल फॉर्म है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिज्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट मिशन। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन 5 मई 2018 को मंगल ग्रह पर भूकंप नापने के लिए सिज्मोमीटर नामक उपकरण स्थापित करने के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने वाला केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर रिपोर्ट 2018 के तहत किस शहर को दुनिया का सबसे जीवंत शहर घोषित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को लगातार 5वें वर्ष के लिए विश्व का सबसे जीवंत शहर का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य कौन सा है जहां प्रतिवर्ष नव वर्ष के अवसर पर नबा कलेबरा त्योहार का आयोजन किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा नबा कलेबरा त्योहार का आयोजन उड़ीसा में प्रतिवर्ष नव वर्ष के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गणितज्ञ को नॉर्वे के प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2018 हेतु चयनित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा एबेल पुरस्कार 2018 हेतु रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स को चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस अंतरिक्ष कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा कोपरनिकस अंतरिक्ष कार्यक्रम यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पूर्वोत्तर राज्य है जहां 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा इम्फाल मणिपुर में 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र के कारण हटाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा गोपाल पराजुली को फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र के कारण हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा पर कितने क्षेत्र को अपराध मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 8.3 किलोमीटर को अपराध मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य है जहां हाल ही में राज्य ध्वज का अनावरण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा कर्नाटक में राज्य ध्वज का अनावरण किया गया। यदि केंद्र सरकार इसके लिए सहमति देती है तो कर्नाटक जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसका समय का राज्य ध्वज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शख्सियत जिसे वर्ष 2018 के आर्किटेक्चर के शीर्ष प्रिजकर पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा प्रिजकर पुरस्कार हेतु बालकृष्ण दोषी को चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका कॉफी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसमें आंसर आएगा अरेबिका कॉफी का संबंध विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो इसमें आंसर आएगा चीन के राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग को चुना गया। चीन के उपराष्ट्रपति के रूप में वांग किसान को चुना गया। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति के लिए 2 अवधि की सीमा को हटा दिया है, इसलिए शी जिनपिंग किसी भी अवधि सीमा के बिना
राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो इसमें आंसर आएगा, म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में विन मिंट चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात उपभोक्ता संघ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड स्टील का सबसे बड़ा निर्माता या उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड स्टील का सबसे बड़ा निर्माता देश चीन है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1976 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। 4 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के तहत संचालित बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड BSCL को बंद करने संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसमें आंसर आएगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के कुल 5 सदस्य होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टडी जोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी जोन के साथ साथ स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। आप यूट्यूब के साथ साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।